श्राइन बोर्ड ने अब इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार करने की कवायद भी तेज कर दी है और एक महीने के लिए कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में कैंप भी लगाया गया है, जहां पर इंटरनेशनल कोच भी बुलाए गए हैं। कैंप में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्टेडियम में ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मैं श्राइन बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये पहला मेरे ख्याल से बोर्ड है जो कि जितने भी हमारे पिलग्रिमेज अगर बोलेंगे जहां पे हम लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं, ये पहला बोर्ड है जिसने ये खेल के लिए ये कदम उठाया है। और भी हैं बट उन्होंने कहा हमने कभी नहीं सुना, तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। और जहां तक हम बोलते हैं कि जो टैलेंट होता है वो तो देखिए ग्रास रूट में छुपा है, अभी हम लोग को क्या करना है कि जम्मू एंड कश्मीर से अगर जो टैलेंट को उठा सकते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि वहां पे एक फैसिलिटी होना। तो श्राइन बोर्ड ने एक बहुत अच्छा सुंदर सा स्टेडियम क्रिएट किया है जहां पे आपका शूटिंग का, आर्चरी का अच्छा, और उसके साथ साथ बाकी गेम्स का भी वो कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी की कृपा से जो ये फैसिलिटीज क्रिएट हो रही है यहाँ, गवर्नर साहब बहुत इच्छुक थे कि एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट की जाए, तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है और गवर्नर साहब की भी इच्छा है और हम सब लोग ये चाहते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है सीओ साहब के जरिए कि एक यहाँ के जो नागरिक हैं उनमें स्पोर्ट्स की तरफ रुझान हो उनका। इससे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक कॉन्शस डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि हम स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें और लोकल्स को भी उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले, साथ ही साथ हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा कर सकें।